असलकुम वीवर्स आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज्ज़ा बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में तो चलें इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए मैदा मैंने लिया है हाफ़ आ के जी शुगर लिया है वन एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया वन एंड हाफ टी स्पून टेबल स्पून लिया टू टेबल स्पून ऑयल ईस लिया है वन टेबल इस्पून वॉम मिल्क लिया है हाफ़ आ कप इसमें मैं ईस डाल दूँगी अच्छे से इसको मिक्स करके रेस्ट होने के लिए रख देंगे मिक्स कर लिया इसे अब मैं मैदे में तमाम बाकी की चीज़ें डाल दूंगी। ऑयल डाल रही हूँ जो मैंने टू टेबल स्पून लिया था सॉल्ट एंड शुगर वन एंड हाफ़ टी स्पून ये भी डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हम जो मिल्क लिया है हमने ईस्ट वाला वो मिला देंगे इसमें इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम फिर हम इसे अच्छे से गूँधेंगे और बिल्कुल हम सॉफ़्ट सी डो बना लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड करनी है पानी डाल रहे हैं हाफ हाफ कप आप एज रिक्वायर्ड ले सकते हैं अच्छे से मिक्स करके इसे मैं गूंद लूंगी ये देखिए ये गूंद गया है बहुत अच्छे से ये बहुत नरम सॉफ्ट डो बनेगी इसे रैप करके मैं रख दूंगी राइज होने के लिए थ्री आवर्स के लिए एटलीस्ट किसी गर्म जगह पर आप इसे किसी कैबिनेट वगैरह में रख दें चलें स्टार्ट करते हैं चिकन टिक्का चिकन लिया मैंने हाफ़ के जी इस पीसेस में मैंने देखिए इस तरह से कटवा लिया था इसे ये देखिए इस तरह से पीसेस में कटवा लिया है चिकन को मैंने रेड चिली पाउडर लिया है वन टी चिकन टिक्का पाउडर लिया है मैंने वन टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर लिया है मैंने वन टी स्पून पाउडर लिया है मैंने वन एंड हाफ़ टी स्पून पाउडर मैंने लिया है वन टेबल स्पून और साथ ही लेमन जूस हम लेंगे वन टेबल स्पून तो चलें इसमें हम सबसे पहले वन टेबल स्पून डालेंगे योगर्ट और साथ ही हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे जो मैंने वन एंड हाफ टी स्पून लिया है आप हंसवे ज़रूरत इसे ले सकते हैं अब इसमें सारे बाकी के मसाले हम मिक्स करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम इसे मैरिनेट करने जा रहे हैं अराउंड थर्टी मिनट्स आप इसे होल नाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं लेकिन अभी मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैं इसे सिर्फ थर्टी मिनट्स के लिए करूँगी। लेमन जूस ये बहुत मज़ेदार सा चिकन तिक्का मसाला रेडी होने जा रहा है बहुत ही चटपटा सा ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे अब इसे रैप करके मैं फ्रिज में रख दूंगी थर्टी मिनट्स के लिए थर्टी मिनट्स हो चुके हैं मैंने एक पैन लिया है उसमें वन टेबल स्पून ऑयल डाला है अब हम इसमें अपनी मैरिनेटेड चिकन डालेंगे अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल में कलर चेंज होने तक अब ढक्कन ढक दक कर हम इसे कुक करेंगे चिकन टेंडर होने तक ये देखिए आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स में इसे चेक कर रही हूँ थोड़ा सा पानी है इसमें अब हम चेक कर रहे हैं टेन मिनट्स बाद तकरीबन चिकन हमारी रेडी हो गई है टेंडर हो गई है थोड़ा सा हाई फ्लेम पर पानी मजीद खुश कर लिया है मैंने अब ये देखिए चिकन रेडी है हमारी इस तरह से ड्राई कर लिया था पानी मोजिला एंड चैटर चीज़ लिया है मैंने पिज़े के लिए स्पेशल जो होता है साथ में मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है ऑलिव्स ले लिए हैं साथ में शिमला मिर्च ली है वन वन टेबल स्पून और ओरिगानो एज रिक्वायड लिया है चलिए आप दो चेक करते हैं तीन आवर्स बाद ये देखिए ये कितनी अच्छी से राइज हो गई है ये देखिए जबरदस्त ये बहुत अच्छी सॉफ्ट डो बनी है पिज़्ज़े के अच्छे टेस्ट के लिए डो का बहुत अच्छा होना बहुत लाजमी है अगर डो आप अच्छी सॉफ्ट बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा ये बहुत बेहतरीन डो बनी है ये देखिए अच्छे से हम इसको थोड़ा सा हाथों से टैप करेंगे और मैं इसमें से कट कर रही हूँ एक पिज़्जा लार्ज साइज का बनाऊंगी बाकी रख लूंगी सेट करेंगे पेड़े को अच्छे से अब मैं इसे बेलूंगी अपनी ट्रे के साइज के लिए आप इस आटे में तीन मीडियम साइज के पिज़्जे आराम से बना सकते हैं ट्रे को डस्ट कर रही हूँ आटे से और इसमें बेला हुआ जो मेरा ये पेड़ा है वो मैं फैला दूंगी चारों तरफ अच्छे से कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए अच्छे से सेट करेंगे ट्रे के अंदर डस्ट करने से हमारा जो ये मैदा है पिज़े की डो ये नीचे चिपकेगी नहीं जब आप इसे सर्व करेंगे तो फॉक की मदद मतलब से इसमें होल कर देंगे सब तरफ इससे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा ये और अच्छे से कुक होगी डो हमारी पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे डिपेंड करता है आपको ज़्यादा सॉस अगर चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं मुझे ज़्यादा पसंद है मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ हाफ कप लिया है मैंने पिज्जा सॉस अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे इसको चिकन डाल रही हूं मैं चारों तरफ फैला दें इसे भी ऑलि डालने लगी हूं मैं इसमें ये भी इसी तरह से चारों तरफ हम फैला देंगे आपके पास ब्लैक ऑलिव्स हों कुछ भी हो सब चलेगा तमाम आप वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं मैंने शिमला भी डाल दी है और अब मैं चीज़ डालने लगी हूँ चीज़ इसमें मैंने टू हंड्रेड ग्राम्स लिया है जो इनफ है एक चीज़ लवर के लिए ये मैंने सारा पैकेट इसमें डाल दिया है और एक आनो डाल दिया चारों तरफ अच्छे से और अब मैं इसे हीटेड ओवन में बेक करने रख रही हूँ तकरीबन 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए ये देखिए हमारा गर्मा गर्म ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेडी है अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से बहुत यमी बना है ये ये बहुत मज़े का बना है ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ तो फिर तैयार है हमारा गर्मा गर्म चिकन तिक्का पिज्जा आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा मुझे कमेंट से बताइएगा आपको ये कैसा लगा दुआओं में याद रखिएगा तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज